हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो हम आ चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आज आपको एक स्पेशल ऐसे ट्रिक बताऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जो कि 2023 का अपडेट है। जो कि पहले क्या होता था, मोनेटाइज करने में आसान होता था सब कुछ, मगर अब आसान नहीं है। दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम 4000 घड़ी घंटे का वॉच टाइमिंग और सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे पेड चार्जेस में हम यहाँ पे कम्प्लीटेड करा के देते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों ये तो हमारी सर्विस है, पेड सर्विस। अगर आप भी अगर ये सर्विस लेना चाहते हो और आपके भी कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर कम है, वॉच टाइमिंग कम है, तो वो भी हम पूरा करा के देते हैं। तो दोस्तों तो इसमें कहने की बात यह है कि आपका चैनल है, मोनेटाइज करना है, अप्लाई करना है, और अप्लाई करते फिर बाद में सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आती है, सेकंड स्टेप आती है, थर्ड स्टेप आती है। इनमें फर्स्ट स्टेप तो डन ऐसे ही हो जाती है, सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस के अंदर चले जाती है, 8 से 12 घंटे का समय लेती है। तो 8 से 12 घंटे के बाद वो डन जब हो जाती है, तब डन होने के बाद सेकंड स्टेप गूगल एडसेंस क्रिएट अकाउंट होने के बाद, तो 3 स्टेप मोनेटाइजेशन के लिए चैनल हमारा चेकिंग के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे होता ये है कि हमारा चैनल चेक के लिए जाता है तो उसमें कम से कम 7 दिन का समय लगता है। किसी का 4 दिन में होता है, किसी का 5 दिन में होता है, ज्यादा तो करके 4 या 5 दिन के अंदर ही चैनल मोनेटाइजेशन कम्प्लीट हो जाते हैं। तो ये तो बात इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ये तो आज की ऐसी ट्रिक एंड ट्रिक्स आपको मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को चैनल मोनेटाइज अप्लाई करते हैं, मोनेटाइज का यहाँ पे मेल आता है, आपका चैनल हमने यहाँ पे YPP के अंदर यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे आपको मोनेटाइज करके दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे बोल देता है जो भी आपका हाई एक्स वाई जेड जो भी चैनल का नाम है, योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, योर चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको मेल मिलता है, ये आपका चैनल हमने मोनेटाइज कर दिया है बोल के। तो फिर बाद में इसके बाद आती है एक बात, एक बंदे का मुझे कॉल आया था दोस्तों। तो उस बंदे ने मुझे क्या बोला, सर हमारा चैनल आपने मोनेटाइज करवाया है, मुझे मेल भी आ चुका है आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है बोल के, और यहाँ पे YT स्टूडियोज के अंदर यहाँ पे मोनेटाइजेशन डॉलर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते तो वहां पे हमारा चैनल मोनेटाइज दिखा रहा है, मगर हम जब हमारे चैनल के ऊपर की एड ऑन करते हैं, मतलब वीडियोस को वॉच करते हैं, तो वो वीडियोस प्ले करते हमारे चैनल के ऊपर एड नहीं चल रही है सर। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? तो मैंने बोला आपने वीडियोस को मोनेटाइज कंप्लीटेड किया है क्या? वो बोलते वो क्या रहता है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो यार चैनल चला रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उसके YT स्टूडियोज के अंदर क्या फीचर आ रहे हैं, उसके अंदर आपको एडिटिंग किस तरह से करनी है वीडियोस के अंदर, मतलब वीडियो तो अपलोड रहता है, वीडियो अपलोड के बाद YT स्टूडियो में थोड़ी सी नॉर्मल सी एडिटिंग रहती है, कुछ क्वेश्चन रहते ऑन ऑफ करना, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब कुछ रहता है, टैग वगैरह, मोनेटाइजेशन को इनेबल करना, ये चीजें लोगों को पता नहीं है दोस्तों। इसके वजह से क्या होता है, ये लोग फिर बाद में हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं सर ये मोनेटाइजेशन अप्लाई हो चुका है मगर हमारा चैनल पे एड नहीं चल रही है। तो एड कैसे चलानी है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस टाइम पे मैं आपको फटक से वीडियोस के अंदर जाके मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे जो असर इम्पोर्टेंट आता है आपको, ये जो प्रॉब्लम आते हैं उस प्रॉब्लम का सिचुएशन मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। और चलो चलते अपने डिस्प्ले रिकॉर्डिंग की तरफ और फटाफट बता देता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, तो मैं फटक से आपको बता देता हूँ। पहले मैं YT स्टूडियो से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और बाद में आपको यहाँ पे क्रोम वेबसाइट डेस्कटॉप मोड साइज पे ही दिखाऊंगा, जो कि आपको जो आसान लगे वो आप ट्रिक आपके हाथ से आजमाइए, जो मुश्किल लगता है वो आपके हिसाब से कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने YT स्टूडियोज को यहाँ पे लॉगिन करके रखा है, तो मैं YT स्टूडियोज को यहाँ पे ओपन करूंगा। तो मेरा YT स्टूडियोज यहाँ पे ओपन हो चुका है बल्कि, तो YT स्टूडियो ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पूरे वीडियोस, समझो कि आपका चैनल अप्लाई किया है, मोनेटाइज का मेल आ चुका है आपको, और यहाँ पे आपके चैनल पे एड नहीं आ रही है। एड क्यों नहीं आती है दोस्तों, तो आप सभी वीडियोस के आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉलर का निशान बना है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये
ये सभी चैनल के ऊपर आप इस लाइन के अंदर देख सकते हो, ये डॉलर के ऑप्शंस, ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ है। आप चाहे तो आप इस वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो, और वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आप पेंसिल वाले ऊपर के साइड पे पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आती है आपकी पूरी सेटिंग। आपको टाइटल में आपकी गलती हुई है तो आप टाइटल को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से टाइटल चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिखना है, आपने कुछ कम लिखा है और भी बड़ा चढ़ा के लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। इसके बाद आता है वीडियोस वायलेशंस, मतलब यहाँ पे आप वीडियोस को यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हो अनलिस्टेड या प्राइवेट, तो ये भी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो जो है कि आप शेड्यूल टाइम भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस पेज से आप यहाँ से शेड्यूल टाइम को भी क्लिक कर सकते हो, जैसे मुझे तो शेड्यूल टाइम नहीं चाहिए, जैसे मुझे पब्लिक ही चाहिए तो मैंने पब्लिक के ही क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑप्शन जो दिख रहा है उस पे आप टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफ दिखेगा, इसको आपको यहाँ से ऑन करना है। ये बेसिक एक वीडियोस की सेटिंग है दोस्तों, एक वीडियोस के सेटिंग के लिए आपको यहाँ से इस तरह करना है, फिर बाद में बैक करना है। और कोने में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, उससे पहले आप कुछ इस वीडियोस के अंदर टैग लगाना चाहते हो तो यहाँ पे टैग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे टैग का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो टैग आपके रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगाना चाहते हो, सर्च टैग, मतलब आपका वीडियोस कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाए, वीडियोस पे अच्छे खासे व्यू आ जाए, इसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे टैग का काम करते हैं, तो यहाँ पे आप टैग लगाने का काम कर सकते हो। तो बेसिक मैंने ये सभी चीज़ों को ऐड कर दिया है, तो बेसिक मैं इस वीडियोस को अभी सेव कर लेता हूँ। आप देखिए ये डॉलर ग्रीन वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले ब्लैक कलर में दिखाता था, अब यहाँ वहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा। और इस वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो कि वीडियोस के ऊपर ऐड भी चलेगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ग्रीन हो चुका है। तो एक वीडियोस की ये सेटिंग मैंने आपको बता दी है। आप सेकंड दूसरे सेटिंग की तरफ हम चलते हैं। तो ये सेटिंग तो आपको समझ आई होगी क्योंकि YouTube का डैशबोर्ड चेंज हो चुका है, पहले 2022 के बीच में ही ये चेंज हुआ था। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे व्यू दिखा रहा है, वॉच टाइमिंग दिखा रहा है, सब्सक्राइबर प्लस दिखा रहा है, और यहाँ पे आपकी अर्निंग भी दिखाता है। तो यहाँ पे ही सब अलग सा दिखाता है, थोड़ी सी सिस्टम चेंज हुई है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो हम चलते स्क्रीन पे। तो बेसिक मैं तो यहाँ पे यूज करता हूँ फायरफॉक्स, क्योंकि मुझे क्रोम में थोड़ा सा इशू आता है चलाने में, तो आपको मैं यहाँ पे फायरफॉक्स एप्लीकेशन से ही आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं जैसे कि डेस्कटॉप मोड पे आ चुका हूँ, डेस्कटॉप मोड पे आते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके सर्च बार में यहाँ पे YouTube लिख देना है, YouTube। तो मैंने यहाँ पे YouTube आ चुका है, तो हम इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आपके पास एंटर पेज इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके चैनल के थ्री डॉट पे क्लिक करना है। मेरे थ्री डॉट यहाँ पे नीचे आते, किसी किसी के यहाँ पे ऊपर आते, भाई ऊपर आते, आप थ्री डॉट का यहाँ पे इश्यू नहीं है। तो आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्कटॉप साइज मोड, यहाँ पे डेस्कटॉप साइज का ऑप्शन है, तो इसको ऑन करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप्स को ऑन कर दिया, तो ऑन करते आपकी जो स्क्रीन है वो कंप्यूटर में यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, मैं मेरे स्क्रीन को यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे रोटेट हो जाएगी स्क्रीन में, आपको बड़ी दिखेंगे तो अभी समझ में आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। फिर बाद में आपके चैनल का ऊपर जो कोने में लोबो आ रहा है यहाँ इस साइड में, तो इस साइड में लोबो पे आप क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा YouTube स्टूडियो ऑप्शन, चैनल के नीचे लगभग ये वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टूडियो ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे मैंने एक वीडियो मोनेटाइज कराने का आपको सिखाया, यहाँ पे एक साथ मैं आपको 10 या जितने वन पेज के अंदर वीडियो रहते हैं 10, 9, 8 उतने वीडियोस आपके यहाँ पे मोनेटाइज कराना मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा YouTube चैनल ओपन हो चुके आ चुका है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं वीडियोस ऑप्शंस पे क्लिक कर लेता हूँ। वीडियो ऑप्शन कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है दोस्तों। तो वीडियो ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक कर लिया तो मेरा वीडियो ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियोस की सेटिंग को ऑन किया था। तो आप नीचे की वीडियोस आप देख सकते हो कि मोनेटाइज नहीं है। नीचे आप जो देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है। तो आप एक साथ वीडियोस को मोनेटाइज किस तरह से कर सकते हो? तो आप ये देखिए यहाँ पे वीडियोस का एक ऑप्शन दिखाया है यहाँ पे, ये वाला, आपको जूम करा के दिखाता हूँ, ये वाला। तो इस पे एक टिक लगानी है, खाली एक टिक लगाती ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट 30 सेलेक्ट एंड वीडियोस। तो मतलब यहाँ पे 30 वीडियोस का यहाँ पे पेज है दोस्तों, 30 वीडियोस का पेज है। आप 30 वीडियोस के पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, एक साथ आपके 30 वीडियोस यहाँ पे मोनेटाइज करने वाले हम। तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये टाइपिंग कीबोर्ड ओपन हो चुका है, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी से ऑन लिखा आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑन लिखा नहीं आता है तो आपको यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे दो स्विच आते हैं ऑफ और ऑन, तो इसको ऑन ही रखना है और अपडेट ऑप्शंस पे क्लिक करना है, अपडेट वीडियोस ऑप्शंस पे। जैसे मैं अपडेट वीडियोस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें परमिशन मांगता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी परमिशन आ चुकी है, तो छोड़ दो, इस परमिशन को पढ़ते रहेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो हम इसको आंसर की करेंगे और यहाँ पे अपडेट वीडियोस को क्लिक करेंगे। तो जैसे अपडेट वीडियोस को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा अपडेट रन होना चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारे वीडियोस जो है यहाँ पे एक एक करके वीडियोस यहाँ पे ग्रीन हो रहा है। तो बल्कि थोड़ा सा टाइम लेगा मगर सब वीडियोस यहाँ पे मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से आसान तरीके से आपके चैनल के पूरे वीडियोस को यहाँ पे मोनेटाइज आप कर सकते हो। करने की कोशिश करता हूँ, अपने वीडियोस रेल रहते दोस्तों, तो रेल वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे ऑल वीडियोस यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुके हैं, यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हो सारे ऑन हो चुके हैं। तो आपके वीडियोस को इस तरह से मोनेटाइज कर सकते हो दोस्तों। बल्कि वीडियो लंबा होगा दोस्तों मगर इस वीडियो में ऐसा कुछ आपको सीखने के लिए, तो फटक से चैनल को जाओ, लाइक और करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से कमेंट करो। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। ओके बाय दोस्तों।